श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इस समय सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पहुंच चुका हूं अपना रुद्राक्ष लेने के लिए। जैसे आप जानते हैं कि पिछली 2 तारीख से यानी कि 2 अप्रैल से रुद्राक्ष महोत्सव यानी रुद्राक्ष वितरण महोत्सव चल रहा है और उसी के दौरान मैं रुद्राक्ष लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो देखिए इस समय आप देख रहे होंगे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और हज़ारों की संख्या में आज करीब 10,000 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उन 10,000 लोगों को आज उनका रुद्राक्ष मिलने वाला है। उसी 10,000 में से मैं भी एक हूँ और मुझे भी आज मैं भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि मुझे भी जल्दी से जल्दी रुद्राक्ष मिल जाए। यहाँ पर लोग सुबह से ही आ जाते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, लाइन लगाते हैं, क्योंकि धूप इस समय बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इस कारण से लोग जल्दी से जल्दी आकर अपना रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, इसलिए लोग जल्दी आ जाते हैं सुबह सुबह। मैं भी आज जल्दी आया हूँ और देखिए आप देख रहे हैं मुझे, मैं भी लाइन में यहाँ पर लगा हुआ हूँ और मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हूँ। आप देखिए मेरे आगे इतनी लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है, लेकिन जब रुद्राक्ष मिलना शुरू होगा तब इतनी ज़्यादा लाइन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 6 काउंटर बने। देखिए जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 काउंटर बने हुए और 6 काउंटर जब शुरू होते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर वितरण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ओनली आपका जो आधार कार्ड है वो स्कैन होता है। स्कैन होने के बाद तुरंत आपको मिल जाता है आपका रुद्राक्ष। जैसे कि यहाँ पे देखिए रुद्राक्ष मिलने की प्रक्रिया यहाँ शुरू हो चुकी है। मैंने अपना जो आधार कार्ड है वो दे दिया है और इस तरह से मुझे यहाँ पे रुद्राक्ष मिल जाएगा। अभी 1 सेकंड में मुझे रुद्राक्ष यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए ये मेरे रुद्राक्ष आ गया है और इस समय मेरे को रुद्राक्ष प्राप्त हो गया है। ये देखिए मेरे रुद्राक्ष मिल गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए मेरा रुद्राक्ष है। अब हम लोग वापस रुद्राक्ष लेकर वापस आ रहे हैं। ये मेरे दोनों बच्चे हैं जो मेरे साथ हैं और देखिए ये लंबी लाइन जहाँ से हम वापस आ रहे हैं। ये हज़ारों लोगों की भीड़ इस समय अपनी बारी का इंतज़ार कर रही है और यहाँ पे रुद्राक्ष लेने वाले लोगों का जो जमघट है वो देखते ही बनता है। लेकिन सभी लोग शांतिपूर्वक लाइन में लगे हुए हैं और रुद्राक्ष लेने का रुद्राक्ष महोत्सव में, रुद्राक्ष वितरण महोत्सव में अपना जो पार्टिसिपेशन है वो कर रहे हैं। ये देखिए कुबेरेश्वर धाम की ये गौशाला है जहाँ पर हज़ारों गायें हैं जिनको नित्य प्रतिदिन भोजन दिया जाता है और ये बहुत सारे लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो धूप ज़्यादा है इस कारण से यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है लोगों को, इसलिए घर से छाता लेके आए। अब यहाँ देखिए आपको हज़ारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ दिख रही है। मैं ऊपर से ये सीन आपको बता रहा हूँ ताकि सारी पब्लिक आपको दिख सके, इसलिए ये ऊपर हूँ मैं, यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार की यहाँ पर भीड़ है। ये आपका मंदिर है जहाँ कुबेरेश्वर धाम जिसको हम बोलते हैं, वहाँ का जो निर्माणाधीन मंदिर है यहाँ पर निर्माण अभी चल रहा है। अब ये देखिए मैंने कुछ यहाँ पर प्रसादी लेके आया था, उस प्रसादी को मैं चढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ये जो जगह है, क्योंकि अभी कोई देवता का स्थान तो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि अभी तक कोई मूर्ति की स्थापना यहाँ पे नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे जो वृक्ष है आंवली का वृक्ष है उस आंवले के वृक्ष पे ही लोग पूजा अर्चना करते हैं। जो नारियल लाते हैं वो चढ़ाते हैं, जो प्रसाद लाते हैं वो चढ़ाते हैं और आरती पूजा करते हैं। मैं भी उसी क्रम में यहाँ पर पूजा कर रहा हूँ, बाकी सब लोग भी देख रहे होंगे, आप सब लोग पूजा कर रहे हैं, मैं भी पूजा कर रहा हूँ। बिलपत्री, फूल, अक्षत, जो भी कुछ मैं लेके गया था वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं चढ़ा रहा हूँ। और आप यहाँ पे एक बात और भी है, यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे कुछ लोग अगर वो बांधते हैं जो मन्नत, जैसे मैं बांध रहा हूँ यहाँ पे अपनी मन्नत का धागा बांध रहा हूँ, ऐसा माना जाता है कि ये मन्नत का धागा अगर आप यहाँ बांधते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होती है, जो भी मन्नत आपने मानी होती है, वो भगवान कुबेरेश्वर जो है वो 3 महीने के अंदर उसको पूरी कर देते हैं, ऐसी मान्यता है। और ऐसा हमारे पंडित जी कहते भी हैं कि 3 महीने के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है अगर आप यहाँ पर आके और श्रद्धा से और दिल से कोई चीज़ अगर मांगते हो, कोई मनोकामना अगर करते हो तो अवश्य इसमें पूरी होती है। तो मैंने भी ऐसे कुछ किया है, आशा करता हूँ कि भगवान मेरी भी मनोकामना पूरी करेंगे। यहाँ देखिए ये कुबेरेश्वर धाम का जो गुफा मंदिर है वो है, ये अभी निर्माणाधीन है, यहाँ पे निर्माण कार्य इसका चल रहा है। और सभी दानदाताओं से मैं निवेदन करता हूँ कि वे ज़्यादा से ज़्यादा दान करें ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ पे भव्य निर्माण हो और सभी लोगों को इसका दर्शन का लाभ प्राप्त हो। ये देखिए हज़ारों की संख्या में इस समय भीड़ देख रहे हैं और बहुत सारी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। मैं थोड़ा ऊपर जाकर ये सीन आपको दिखा रहा हूँ ताकि मैं सारी पब्लिक को आपको दिखा सकूँ।